राजधानी भोपाल में गंगा जमुना तहसीब देखने को मिली। यहां मां वैष्णो दुर्गा उत्सव समिति जवाहर चौक ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया। समारोह के दौरान झांकी स्थल पर डीआईजी इरशाद वाली पहुंचे और मां कालका की आरती की। इस मौके पर सम्मान समारोह के दौरान समिति प्रमुख व वार्ड 32 के पूर्व पार्षद भाजपा नेता जगदीश यादव ने भोपाल डीआईजी इरशाद वली खान, एएसपी, सीएसपी, टीआई, डॉक्टर व नगर निगम दरोगा सहित कोरोना काल में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले योद्धाओं को शॉल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। सम्मान समारोह में शामिल हुए अतिथियों का भारतीय परंपरा के अनुसार वार्ड 32 के पूर्व पार्षद जगदीश यादव ने साफा पहनाकर स्वागत किया। मालूम हो कि जवाहर चौक में पिछले 22 वर्षों से झांकी सजाई जा रही है। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए छोटी झांकी सजाई गई। जय अंबे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको जिस दिन ध्यावत, तुमको जिस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। माँ विष्णुर विराजत, पी को मृत मद को, उज्ज्वल से तो समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, देखिए पूरा देश कोरोना से जब महामारी में जूझ रहा था तो पुलिस प्रशासन, मेडिकल विभाग, डॉक्टर्स, शहर के दरोगा, नगर निगम कर्मचारी, उन लोगों ने अपने परिवार की चिंता नहीं करते हुए भी हम लोगों की सेवा की। अब हम लोग जब घरों में सोते थे वो रात रात काम देखा करते थे, कोई बाहर ना निकले। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सचेत रहा, पुलिस का काम देखने योग्य था। और जो हमारे भोपाल के डीआई साहब थे इरशाद वली साहब, उनका तो कहना ही कुछ और, मतलब एक एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव के घर घर उन्होंने सामान पहुँचाया, इसलिए आज उनका पूरे परिवार का सम्मान किया गया। पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर्स। सर यहाँ पर पौधे भी वितरण किए? या पौधे यो कमजोरी के लिए कोई फल होता है, बहुत गुलोए, गुलोए उसके पौधे वितरण किए गए, अश्वगंधा के पौधे वितरण किए, जिससे एनर्जी बनी रहे। भराल नवरात्रि के पहले दिन से ही झांकी स्थल पर आने वाले लोगों को कोरोना महामारी में अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए गिलोय, अश्वगंधा के पौधे भी वितरित किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज, भोपाल।